अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। यहाँ पे लगा हुआ है जी अपनी टीम का मैच। ये तो बैटिंग करी है, हमारे गांव की टीम है, बच्चों का सिर्फ वो आउट हो गया। तो ये तो बैटिंग करी है, हमारी टीम है, बाकी जो टीम फील्डिंग कर रही है ना, वो जो सामने वाला गांव है ना, वो इनका गांव है। तो इन्होंने बोला था कि आपने हमारा मैच देखना है, तो हम लोग मैच देखने आए हैं। बाकी पता नहीं क्या हिसाब किताब इनका चल रहा है। यहाँ देखें जी, जो सबसे छोटा बच्चा है ना, वो खेल रहा है जी बच्चों के साथ, इनके साथ। यार ये जो लड़का है ना, इसकी गेम बहुत ज्यादा है, छोटा सा। ये जी हमारे सीनियर प्लेयर जो कि टीम को सपोर्ट करते हुए हाँ जी कोच, आप कह ले कोच है जी। ये बाल बाल बाल, ओ जिंदाबाद यार, वेरी गुड यार। ये जो लड़का है ना, ये मेरा फेवरेट लड़का है, मतलब हमारे गांव में जितने भी बच्चे जो क्रिकेट खेलते हैं उनमें सबसे फेवरेट लड़का ये मेरा, ये वाला जो है ना। ओ शॉट है यार, बिलाल जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है यार। आपकी टीम हारी है, कुछ हो गया आप? आपकी टीम यार, ये देखो ना, ये फील्डिंग कर रही है, ये आपकी टीम है, तो इसको सही जो है ना दो रही है हमारी टीम वाले। फहद भाई इधर आए जरा आप। फहद भाई जो है ना फुल अभी ना गेम के ऊपर अंदर घुसे हुए हैं। यार आपकी टीम नहीं है वो, आपकी गांव की टीम नहीं है वो, गांव तब्दील कर लिया आपने। नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ ना, आपकी गांव की टीम है यार, वो हार रही है, क्या कहोगे आप? कुछ तो कहो यार फहद, मैं कह रहा हूँ कुछ तो कहो यार, कहने को कुछ भी नहीं है अब यार। अब यकीन मैंने 600-700 रुपए हार गए हैं। और एक और बच्चा आया जी, पदालिया बच्चों को यार, बैटिंग तो यहाँ पे दे नहीं रहे, तो मैं क्या उधर ही ले लूं। इधर बैटिंग भी नहीं आनी है भाई, बच्चों का गेम है, सिर्फ बच्चों के मैच देखने आए हम लोग आए हुए हैं। कितने पैसे जीते हैं भला हमारे गांव के लड़कों ने? माइनस में चल रहा है। माइनस में भाई फहद, कितने मैच जीते हैं भला इन्होंने? कितना? 400 मैच नहीं, वो समझ रहे हो, वो 400 आ रहे हैं उसके बाद। अभी कितना पास, अभी पास कितने हैं ये बताओ बस। कुछ भी नहीं, नहीं उससे पहले भी आ रहे थे 100 रुपया माइनस यार। देखो इन्होंने पहले बोला कि 400 रुपया हमारी टीम जीत गई, उसके बाद 200 हार गई, तो 200 पास तो होगा ना अभी? नहीं इससे पहले भी एक मैच जीता। सही 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 सही, मतलब अभी कुछ भी नहीं है, जो जीते हैं वो सारे जो है ना, लेकिन कोई मसला नहीं, अभी दोबारा जीतेंगे। क्या हुआ? आउट हो गया, कोई मसला नहीं है, पार्ट ऑफ द गेम है। ले जी मारे अहमद भाई आए हैं, जिनकी मैं गेम देखने स्पेशल आया हूँ। अहमद भी अच्छे बैट्समैन है। ओ शाबा भाई, ओ कैच हो गया, आ जा इसी तरह। कितना टारगेट है भाई? 33 बनाया हमारी टीम ने, उन्होंने 34 बनाना है। अच्छा नहीं बनेगा, चले सही है। लेकिन कोच कह रहे हैं कि नहीं बनेगा, बाकी देखते हैं बनता की नहीं बनता है। इधर जो है लग रहा कोई बहस शुरू हो गई है, इधर हम पूछते हैं जाके क्या हो गया भाई। नहीं यार ये तो जाती है ना, टेप क्यों की है यार? ये शैतान है, लग रहा है इसने कुछ किया यार। नहीं नहीं ये गलत बात हुई है, कोच साहब ये समझाएं इनको जरा, ये गलत बात है। अंपायर का अंपायर यार, आप दोनों टीमों को बराबर रखते हैं, बराबर रखते हैं, बॉल सही होना चाहिए ना, ये देखो बॉल ठीक है। जी जी अंपायर ने पैसे लिए हुए हैं। अंपायर वैसे मारे गए होंगे, ये बिक गया अंपायर, बिक गया। नहीं नहीं अंपायर ये बिक गया यार, ये जाती है कोच साहब, ये जाती है, अंपायर बिक गया। मैच जो है बोल रहा आउट हो गया, आउट यार, रन आउट। मैं ओए यार, यार पहले वाला आउट था, मैच जो है ना बहुत सीरियस हो गया भाई साहब। शॉट यार, शॉट, तालियां यार, तालियां मारो, तालियां मारो यार, बहुत अच्छी शॉट मारी है लड़के ने। वैसे ये मारेगा उनका नहीं है यार, आप भी तालियां मार लो यार, आपको खिला रहे तो नहीं, वैसे तालियां ही मार लो, तालियां मारो यार, लड़के ने छक्का मारा यार, क्या करते हो यार, तालियां मारो। कैच रन आउट। और जीत गया, वेल डन सबको यार, बहुत अच्छा आप लोग खेले हो। और नहीं माशाल्लाह यार, आप सब लोग अच्छा खेले, अहमद यार वेरी गुड यार, बिलाल वेरी गुड, उमर इसका नाम फहद है शायद, आई थिंक ये भी बहुत अच्छा खेला, इब्राहिम जो बस देखता रहा है बहुत अच्छा खेला है, और बाकी जैन है, सब जो है बहुत अच्छा खेले हो यार। और बाकी कितने पैसे जीते हो आप लोग यार? 800 1000 रुपए तकरीबन ये लोग जीत गए। हम लोग अगर खेलते थे ना कभी 100 रुपए नहीं, हम लोग जीते यार, ये लोग 800 जीत गए हैं। घर वालों ने भाई सब धान की फसल को ना छत में सुखाने के लिए रखा हुआ है, तो हमें ऑर्डर मिला कि जो 4 तोरे हैं ना, 1, 2, 3, 4 इसके अंदर भी ना धान की फसल है, टोटल 5, थे एक जो है फहद नीचे ले गया, तो इनको ना नीचे उतारना है, तो अभी इनको उतारते हैं। मैं खुद ही जो है ना 2 उतारूंगा, फहद उतारूंगा, वो 3 उतारेगा, फहद एक नीचे ले गया, इधर से 2 उठाएगा फहद। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, टोटल 4 तोरे हैं, 2 आपने लेके जाने, 2 मैंने लेके जाने हैं। क्यों?
नहीं, 5,000 नजर आ रहे हैं भाई। मैं नहीं 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 बराबर हिसाब होगा, 2 मैं लेके, 2 ये लेके जाएगा। चलो भाई करो शुरुआत उठाने की। आजू आजू आजू, आपने भी उठाना है, तोरा आपने भी उठाना है, उठाना तोरा, इधर आओ, शाबाश शाबाश। चलो तोरा लेके जाओ, तोरा लेके जाओ, फाद भी जरा उठवाना इसको। चलो चलो उठवाना इसको, उठाना है सन। चलो जी, कह रहा जी उठा दे इसको, सन को उठा दे। नहीं उठाना है? देख ले बच्चा कह रहा है। यार फहद यार, धान की फसल जो तोरा एक होता ना, इतना हल्का होता ना, इतना हल्का होता ना, हमारा ऊपर उठा लेता है, लेकिन इसे उठाया जा रहा। जा फहद, अगर उठा लिया तो ये मेरी तरफ से कुछ भी नहीं। तोरे हम लोगों ने सारे उतार दिए, टोटल 5 थे, और इनको ना अब इसके अंदर डालना है। ये हमारी पुरानी टैंकी थी, तो भी वैसी परी होती है, तो इसके अंदर हम लोग ना धान की फसल डालते हैं। तो इसको जरा नीचे लटाया हुआ, जरा साफ सुफ करके ना फिर इसके अंदर डालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जहाँ हम लोगों ने काम स्टार्ट करवाया वहाँ जो है ना मिट्टी डाल रही है, आप देख सकते हैं आधी मिट्टी डाल गई है, सिर्फ आधा काम रह गया। तो तकरीबन आप कह लें 2-3 घंटों में ये भी काम खत्म हो जाना है। बाकी जो है परसों जो नींव तैयार होगी थी, इनको नींव बोलते हैं, ये जितनी भी जो ऊपर ऊपर है ना, तो ये परसों तैयार होगी थी, कल हमने रेस्ट दिया था, और आज जो है ना मिट्टी डाल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इधर जो हम लोग घर बना रहे हैं, घर किसका बना रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैं आपको अभी बताने लगा, फिर ये बताऊंगा कि इधर जो है घर बन रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इधर जो है ना आज मिट्टी डाल रही है, और भाई साहब आधा तकरीबन काम हो गया, इतना इतना जो है ना काम अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, बाकी थोड़ा सा रह गया। और अभी टाइम अचास है, सूरज अब देख सकते हैं कहाँ आया हुआ है। अभी ना तकरीबन 3:30 हो रहे हैं, और 5:30 तक जो है ना काम खत्म हो जाएगा। तो लगे भी पठान है भाई साहब, ये जो है ना सारे पठान है, ट्रैक्टर वाले जो मिट्टी डाल रहे हैं वो सारे जितने भी है ना सारे पठान लगे हैं। और आपको पता है जो पठान होते हैं ना, वो जो मतलब आप कह लें पठान बड़े तगड़े होते हैं भाई साहब, वो जो है ना घंटों का काम मिनटों में करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी भी नजर आ रहा है, तकरीबन 2-2.5 घंटे हो गए अभी स्टार्ट किया काम, और आधा हो गया, और 2-2.5 घंटे और लगेंगे और सारा काम जो है ना क्लियर हो जाएगा। यहाँ से भाई साहब मिट्टी आ रही है, पहले यहाँ से आ रही थी, ये फुल जो है ना भरा हुआ था सारी जगह मिट्टी से, उसके बाद अब वो क्रेन जो है आगे चली गई है। तो यहाँ भी हम लोगों ने मिट्टी थोड़ी बहुत रखवाई थी, और थोड़ी बहुत वहां रखवाई थी। 3-4 दिन पहले भाई साहब हम लोगों ने ये मिट्टी मंगवा ली थी, तो यहाँ से ट्रैक्टर लेके जाई जा रहे हैं। पहले यहाँ लेके जा रहे थे तो खत्म हो गया, अभी थोड़ा बहुत रहता है, तो उसको भी हम लोग ना साफ सुफ करवा लेंगे। जी जितनी भी मिट्टी है ना ये सारी लेके जाएंगे, दूसरा भी वहां से ट्रैक्टर लेके जाई जा रहे हैं। ये काम एक तो सस्ता पड़ जाता है, दूसरा ये कि पठानों के पास होती है बड़ी मशीनरी, तो उनसे क्या कहना, फिर मिट्टी जहाँ डलवानी हो वहाँ डलवा लेता बंदा। जब भी कहीं मिट्टी डलती है ना, सिर्फ यही मसला बन जाता है, निकल गई निकल गई निकल गई निकल गई। जब भी कभी मिट्टी डले ना, तो यही मसला होता है कि जो है ना ट्राली जो होती है ना या ट्रैक्टर होता है, इनकी जो टायर है नीचे फंस जाते हैं, तो वो बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। तो अभी वो जो संगल के साथ ना निकाल रहे हैं टायर को। अल्हम्दुलिल्लाह जी, घर में मैं आ गया हूँ, राधे सारी रात का खाना खाने लगा हूँ, मेरे पास रोटियां और साग जो है आलू मटर का सालन है। तो तकरीबन आप कह लें 80% मिट्टी डाल गई है हमारे उधर, जब हम लोगों ने घर स्टार्ट किया ना, तो 20% रह गई है। आज भी मुकम्मल मिट्टी डाल जानी थी, लेकिन बस एक मसला बना था, क्रेन थोड़ी सी खराब हो गई थी, जिसकी वजह से जो है ना टाइम उसमें ज्यादा लग गया था। तो फिर जो पठान है ना, उन्होंने बोला कि कल हम लोग फर्स्ट टाइम आके मिट्टी डाल देंगे, तो हमने कहा चलो सही है, कल फर्स्ट टाइम आके ना मिट्टी डाल जाएगी। तो बाकी यार यही था मेरा आज का ब्लॉग, अगर आपको अच्छा लगा अपने लाइक करना, अगर आप चैनल में नहीं है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे इंशाल्लाह आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।